Hello everyone, assalamu alaikum, welcome back to new vlog. अब रात का टाइम है तो आई थिंक 11:30-12 बजे का टाइम है, तो यहाँ से मैं कटिंग करा रही हूँ अपने हस्बैंड से वेजिटेबल्स की, क्योंकि मुझे बनाने हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने हैं। ये मैंने थोड़ा सा ब्रेस्ट पीस लिया था एक, तो मैंने उसको बॉईल करके रख दिया था और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। अब उसके बाद ये है, कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये है कि मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से स्प्रिंग रोल बनाती हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस रेसिपी पे है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ भी नहीं इतने ज़्यादा कुछ करती, तो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ से मैंने लिया हुआ है, हम लोग को यहाँ से मिलते हैं इस तरह के जनरल रोल पेस्ट्री मिलती हैं, पैकेट में मिलती हैं। आई थिंक पाकिस्तान में जाना खुली मिलती हैं, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि इस बात को आई थिंक 3 से 4 साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं है कुछ ज़्यादा। यहाँ पे तो इस तरह से सील हुई मिलती हैं। और आज मैंने देखा कि जो है ना, पहले तो हम लोग लेते थे जो रोटियाँ हैं वो हम लेते थे, तो मैं उसको ना हमेशा इसकी ना थ्री लेयर करके ना इसको कट करके ना इसके समोसे बना देती, बट आज मैंने देखा है कि जो इसके समोसों की अलग तरह से पट्टियाँ हैं और कट हुई हुई हैं वो पट्टियाँ, तो मैं सोच रही हूँ अभी तो मेरे समोसे खैर मैंने बना लिए थे, उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी, तो रोल ख़त्म हो गए थे तो अब मैं रोल बनाऊँगी। मैं 2 पैकेट लाई, 1 पैकेट में 50 पट्टियाँ होती हैं तो मैं लाई 2 पैकेट, तो मैंने 100 रोल बनाने हैं क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं। अब ये है कि मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं बनाऊंगी वेजिटेबल रोल, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर, चले देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। आज मेरा शूट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं चिकन स्प्रिंग रोल वेजिटेबल वाले कैसे बनाती हूँ। तो मैं डालूंगी इसमें ऑलिव ऑयल, ये थोड़ा सा डालूंगी इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने ऑलिव ऑयल डाल लिया। और इसमें मैं डालूंगी कैबेज, और ये मैंने चिकन क्यूब भी रखा हुआ है, और ये मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कैबेज। ज़्यादा कुछ वो नहीं है, तो इजी सी है, मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। मैंने पहले भी 50 बनाए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, तो अब सोच रही हूँ कि मैं दोबारा बनाऊँ, तो मैंने ये डाल दिया कैबेज, साथ में डालूँगी मैं ये कैप्सिकम, ये डाल दूँगी कैरेट, सब कुछ इकट्ठा मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने कट करवाए हुए थे अपने हस्बैंड से, तो ये सब चीज़ें भी मैं डाल दूँगी इसमें, ये ऐसे, ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो ये है, ये मैंने डाल दी सारी वेजिटेबल्स, उसके बाद मैं डाल दूँगी ये चिकन, मैं चिकन ये बॉईल करके रखी हुई थी और इसको मैंने श्रेड कर लिया, ये मैं चिकन डाल दूँगी बिल्कुल बारीक बारीक, मैंने श्रेड कर लिया कि इतने ज़्यादा फील भी ना हो, मुंह में भी ना आए, तो ये मैंने श्रेड कर ली है मिक्स। तो पहले मैं इसको हल्का सा सॉटे कर लूँगी, हल्का हल्का सा, ताकि ये मिक्स भी हो जाए और सॉटे भी हो जाए। और दूसरा ये है कि मैंने समोसे बनाए हुए थे, वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि वो मैंने आई थिंक 150 समोसे बनाए हैं, मैंने छोटे छोटे मैंने समोसे बनाए, हम लोग तो ज़्यादा बड़े नहीं खाते तो छोटे ही बनाए हैं, उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी, वो इसलिए कि मैंने जल्दी जल्दी काम किया था और घर में कोई होता नहीं था, तो आज मैं इसलिए अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड अपने हस्बैंड से करा रही हूँ, क्योंकि ये फ्री थे और सब सो गए थे, मीना भी सो गई थी, क्योंकि जब मीना जाग रही हूँ तो काम नहीं होता मेरे से, थोड़ा सा मैं डाल दूँगी और ऑलिव ऑयल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। मैं यूज़ ऑलिव ऑयल ही करती, मैं ऑयल यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं डाइट वगैरह पे हूँ, तो ऑयल वगैरह मैं कम ही यूज़ करती हूँ। और दूसरा ये है कि हम लोग अब ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, या ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं या हम करते हैं देसी घी, हमने जो रेगुलर ऑयल है वो हम लोगों ने पकौड़े वगैरह इन चीज़ों पर रखा होगा, तो उनके लिए ये बेस्ट है। बाकी ये हो गया मिक्स, मिक्स, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें नमक, ये नमक डालूंगी, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, तो मैं बिल्कुल अपने हिसाब से डालती हूँ। मैंने पहले बना लेने थे अफ्तारी से पहले, बट मेरा रोज़ा था तो मैं टेस्ट कर नहीं सकती थी कि मैं कैसे टेस्ट करूँ, तो ये मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, आप लोग अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मीना भी खाती है, पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह बनाती थी बट अब मैं नहीं बनाती, वो इसलिए कि मीना बड़ी हो गई, तो मीना भी ये मैं डालूंगी कि मैं डाली हूँ चिली सॉस, शंग्रीला की है क्योंकि पाकिस्तान की सॉसें यहाँ पर भी आई हुई हैं, तो मैं हमेशा जब भी यूज़ करूँगी तो शंग्रीला की ही करूँगी, क्योंकि यहाँ की जो सॉसेज हैं वो ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान की सॉसेज हैं, उनमें टेस्ट बहुत ज़्यादा का होता है, तो
तो ये मैं डाल दूँगी सोया सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस ये डाल दूँगी सोया सॉस। उसके बाद मैं करूँगी इसको मिक्स अच्छी तरह से, मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि रोल ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा मैं रोल बना लूँ। मेरे चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि रोज़े चल रहे हैं और जब भी क्लीन इसको करो तो वो वापस वैसे ही हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले की हवेली, मोहल्ले की हवेली इनका वो ये हिसाब है, अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी ख़राब होगी ये छोड़ दें। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी वाइट पेपर, क्योंकि इससे जो टेस्ट है ना बहुत मज़ा आता है वाइट पेपर से। तो मैं वाइट पेपर मस्त डालती हूँ हर चीज़ में, डालती वाइट पेपर कि मैंने वाइट पेपर नमक ठीक है yes. तो ये मैंने डाल दिया वाइट पेपर और इसको कर दूँगी मैं मिक्स, ठीक है ये मिक्स कर दूँगी मैं। थोड़ी सी मुझे कमी पेशी लग रही है, नहीं परफेक्ट है, बहुत बनेगा। ओके ये बन गए, मैं रख दूँगी ठीक है, यहाँ से क्लीन कर लूँगी। आई थिंक चिकन क्यूब की ज़रूरत नहीं है, नहीं चिकन क्यूब नहीं डालूँगी। यू नो बच्चे वाला घर है तो कपड़े वगैरह होंगे, और जहाँ हम लोग रहते हैं ना अमेरिका में तो यहाँ पे कपड़े वगैरह नहीं हैं कि हम लोग सहन वगैरह में अपने कपड़े जो है ना वॉश करके लगता है, क्योंकि सहन वगैरह का कोई हिसाब नहीं है। हम लोग अगर वॉश करते हैं तो मैंने यहाँ पे मिन्हा का लगाया हुआ है छोटा सा जो है ना कपड़ा हैंगर लगाया हुआ है, जहाँ से मैं मिन्हा के कपड़े हैंग कर लेती हूँ। और ये मिन्हा का जो है ना शुरू से लगा हुआ है, लाइक मिन्हा जब पैदा हुई थी तो उसकी दादू रही थी तो ये तब का लगा हुआ है। हाँ और मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि आंटी के ना इस जगह पर निकले मछालें, तो ये मैंने देखा था इंटरनेट से, ये सौंफ और जो है ना इसमें मिश्री, थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है और थोड़ी सी मिश्री ली है और इसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया। अब ये है ये ओवन एंड भीगा रहेगा, घरी में ब्रश करने से पहले इसको ले लेंगी, इसको रिहार मुँह पी लेंगी उसके बाद ब्रश करेंगी। तो 2 दिन तो मैंने आंटी का किया, आंटी को काफ़ी फ़र्क है। आज ये लास्ट डे है तो आज आंटी ये करेंगी और उसके बाद ख़त्म, क्योंकि आंटी आज कह रही थी कि काफ़ी हद से ज़्यादा फ़र्क है। तो अब मैं बनाऊँगी ये रोल, ये मलाई थी पट्टियाँ, इसमें हैं 25 इसमें पट्टियाँ हैं, अच्छा मैंने समझा शायद 50 हैं, इसमें 25 हैं। तो मैं बनाऊँगी 50 रोल्स बनाऊँगी मैं, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाते हैं। और फिर खैर ये है कि ये मैं बना लूँगी तो जब और ज़रूरत होंगी तो फिर मैं और पट्टियाँ ला के और बना लूँगी, क्योंकि रोल वगैरह इजीली बन जाते हैं, मुश्किल नहीं होते। मैंने समोसे भी बना लिए थे, मैंने चिकन के समोसे बनाए थे, कभी उसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये है रोल, तो हाँ जी तो मैंने ये पट्टी ले ली और मैंने इतना साइज़ में रख दिया। तो एक मैं बनाती हूँ सीधा, इस तरह से रोल बनाती हूँ ये लाइक दिस, इस तरह से ये, और मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, मैं तो इसको कहती हूँ लेवी, आप लोग क्या कहते हैं इसको, आप लोग इसको लई कहते हैं क्या कहते हैं, और ये मैं लगाऊंगी इसके अंदर, ये मैं तो कहती हूँ हम लोग कहते हैं इसको आई थिंक लेवी कहते हैं, और मेरे ससुराल में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आप लोगों में क्या क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। तो ये रहा मैंने, पहले मैं बनाऊंगी इस तरह से,
बिल्कुल स्ट्रेट, एक मैं बनाती हूँ इस तरह से, ठीक है, और ये बन गया रोल। और एक मैं बनाऊंगी जो है ना दूसरी तरह से, तो ये पट्टी, और इतने मज़े की पट्टी है ना कि बहुत ज़्यादा, ये फ्रीज हुई हुई होती हैं तो इसको अगर बाहर निकाल कर रखो तो ये सही हो जाती हैं। तो एक मैंने उस तरह से स्ट्रेट बनाया और एक मैं बनाऊंगी इस तरह से। तो आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोग किस एंगल से बनाते हैं, मैं दोनों एंगल से बनाती हूँ। तो ये रहा, और मैंने इसको यहाँ से यूँ फोल्ड कर दिया, यहाँ से यूँ फोल्ड कर दिया, उसके बाद ये, और मैं लगा लूँगी ये यहाँ से ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो ये है, यहाँ से मैंने ये कर दिया और ये बन गया। और एक मैं बनाती हूँ इस तरह से, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो ये मैंने दोनों तरह से बना के दिखा दिए हैं। तो हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे 25 रोल बना लिए हैं, ये बन गए 25 रोल। तो अब मैं बनाऊँगी जो है ना एक दो पैकेट लेके 25 रोल मैं और बनाऊँगी। आधा लगा है 25 रोल पे, और आई थिंक आधा लगेगा इस पे 25 पे। तो 50 रोल बना के और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये 25 रोल है, इसको मैं डाल दूँगी इस जिप लॉक बैग में। तो पहले मैं इसको डालूँगी इस जिप लॉक बैग में, तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। उसके बाद जो ये 25 है फिर मैं उसको बनाती हूँ। और यहाँ पे ये बर्तन हो गया तो मैं इसको वॉश करूँगी, और पहले मैं डालती हूँ इसको इनमें, और इनको बारी बारी इसमें डाल कर। तो मैंने ये जिप लॉक बैग में डाल दिए इसको, तो अब मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़ क्योंकि ये 25 बन चुके हैं। ये है मेरे और ये 25 हैं, ये मुझे किसी ने कहे थे तो मैं उसको बना के दूँगी। तो ये 25 है, मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, फ्रीज़र में। तो ये जो है ना जब फ्रीज हो जाएंगे तो कल फिर मैं इसको फ्राई करूँ। हाँ जी, तो मैंने ये बना लिए हैं, और दूसरा ये है कि अब इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। उसके बाद जो है ना अब मैं जाऊँगी रूम में क्योंकि मेरा सारा काम हो गया। मैंने यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, मैंने सारी क्लिनिंग कर ली है। उसके बाद अब क्योंकि मैं सहरी करके ही सोती हूँ, सुबह नमाज़ पढ़ के ही सोती हूँ, तो अब मैं जाऊँगी रूम में, थोड़ी देर लेटूँगी, थोड़ा सा यूट्यूब देखूँगी। उसके बाद यह है कि जो है ना फिर मैंने अपना कावा भी बना के रखा होगा। अब जब 2 बजेगी 1 बजेगी तो मैं अपना कावा पीऊँगी, फिर मैं अपना करूँगी वर्कआउट क्योंकि 1 आवर का वर्कआउट होता है वो करूँगी। उसके बाद फिर मैं सहरी बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो जो है ना आप लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।